आपके लिए लेकर के आया हूँ जमीन के साथ आपका खुद का घर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड हाउसिंग को फॉलो करें। फिर कह रहा हूँ नए सोसाइटी में, डेवलप सोसाइटी में, गणपति धाम सोसाइटी के अंदर आपका न्यू प्रॉपर्टी, न्यू डुप्लेक्स या न्यू विला या न्यू बंगलो या आप बोलो इसको इंडिपेंडेंट हाउस आपका हो सकता है जमीन के साथ, फर्स्ट हैंड न्यू प्रॉपर्टी आपका हो सकता है। तो आज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस तरह की डेवलप सोसाइटी के अंदर आपकी ये प्रॉपर्टी हो सकती है, तो हाउसिंग कंसल्टेंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट बॉक्स पे आपको जो भी जानकारी इस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको लगती है पूछने की तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें कॉल कर भी सकते हैं। और ये आपको डेवलप सोसाइटी गणपति धाम में मिलता है, जहां पे आपको मिलता है टेंपल, गार्डन और पार्क की फैसिलिटीज भी आपको मिलती है। रोड आपको काफी वाइड मिलता है, साथ में आपको क्लीन, आप देख सकते हो क्लीन अप सोसाइटी के साथ ये प्रॉपर्टी आपकी हो सकती है। डुप्लेक्स, विला, बंगलो, इंडिपेंडेंट हाउस, जिस सोच के साथ आपको खरीदना है आप इसे खरीद सकते हैं, क्योंकि आपको दिख सकता है आपको रोड भी काफ़ी चौड़ा मिलता है, साथ में रोड ऑलरेडी बना हुआ है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है प्रॉपर्टी के अंदर, सोसाइटी काफ़ी अच्छी है, न्यू सोसाइटी है, न्यू इंडिपेंडेंट हाउस या न्यू बंगलो आपका हो सकता है, वो भी चार रूम के साथ। तो वीडियो पे बने रहिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं प्राइस बताऊंगा, मैं चारों रूम भी आपको दिखाने वाला हूँ, साथ में बालकनी दिखाऊंगा, कार पार्किंग दिखाऊंगा। तो हर एक चीज़ जो मैं आपको वीडियो में शेयर करने वाला हूँ उसको पूरा जरूर देखिए, सुनिए भी, क्योंकि उससे आपको प्रॉपर्टी की नॉलेज और ज्यादा इंक्रीज होगी, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या रेट में मिल रहा है, किस प्राइस पे है। इसलिए मैं कहता हूं लोगों को कि मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखिए, मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको बताते रहता हूं वीडियो के अंदर। तो ये आप देख सकते हो, ये भरपूर बना हुआ सोसाइटी, डेवलप सोसाइटी के अंदर आप देख सकते हो पूरा लाइन से आपको एक ही तरह का डुप्लेक्स आपको बना हुआ मिल जाएगा या विला मिल जाएगा। एंड इसके अपोजिट साइड में भी सेम इसी तरह का विला और बंगलो बनने वाला है, जो आप देख सकते हो प्लॉटिंग ऑलरेडी किया हुआ है, यहां पर भी काम चल रहा है। तो यहां पे आपको डेवलप सोसाइटी के अंदर ये बंगलो या ये विला आप कह सकते हो, कार पार्किंग आप देख सकते हो एंट्रेंस के साथ ही आपको कार पार्किंग मिलता है, साथ में आप देख सकते हो बड़ी सी बालकनी मिलती है, यहाँ पे आपको सडान कार भी खड़ा हो सकता है, बगल में सडान कार खड़ा है आप देख सकते हो, तो आपको कार पार्किंग की कोई टेंशन नहीं लेने की है। देखो सामने ही खड़ा गाड़ी आपको दिख भी रहा होगा, इसलिए मैं दिखा भी दिया वीडियो के अंदर, और गार्डन एरिया भी आपको साथ में मिलता है। तो ये आपको एक खूबसूरत सी प्रॉपर्टी जो कि आप देख सकते हो, फिनिशिंग काफ़ी अच्छा है, टाइल्स का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा दिया गया है, इंटीरियर के अच्छर काम किया गया है, एक अलग सी कॉस्टिंग लगाई गई है जो बिल्डर के अलावा काम किया गया है इसके ऊपर। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आपकी हो सकती है। आप गेट वेट देख रहे हो काफ़ी खूबसूरत है, जब आप एंट्रेंस करते हो तो आपको छोटा सा हॉल भी मिलता है, साथ में दो रूम नीचे मिलता है, दो रूम ऊपर मिलता है, क्योंकि काफ़ी लोगों का डिमांड था डुप्लेक्स के ऊपर कि दो रूम नीचे होना चाहिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन लोग प्रेफर करते हैं नीचे की रूम्स उनको दो मिल जाए। तो यहाँ पर ये सुविधा आपको मिलती है कि दो रूम आपको नीचे मिलता है, साथ में एक कॉमन बाथरूम भी मिलता है नीचे, साथ में किचन भी आपका नीचे होता है। तो एज पर डिमांड जो बहुत ज्यादा था क्लाइंट्स लोग का कि नीचे दो रूम वाला डुप्लेक्स दिखाइए या इंडिपेंडेंट हाउस दिखाइए या फिर बंगलो आपको चाहिए था नीचे के दो रूम के साथ, तो ये वीडियो आपके लिए लाया है, ये प्रॉपर्टी आपके लिए ही बनी हुई है। तो दो रूम आपको नीचे मिलेगा, साथ में आपको हॉल भी मिलेगा नीचे में, एक पूजा रूम भी आपको सेकंड फ्लोर पर मिलता है, ऊपर भी एक दो रूम आपको और मिलने वाला है, फिर साथ में दो और बाथरूम ऊपर भी मिलता है। तो अगर आपको चाहिए अटैच बाथरूम तो ये वीडियो में, ये प्रॉपर्टी में आपको ये हर एक चीज़ की सुविधा मिलती है। आप देख सकते हो रूम की साइजेस काफ़ी अच्छी है, विंडोज फ्रंट में खुलती है, ये नीचे का रूम मैं दिखा रहा हूँ, इसी तरह सिमिलरली दूसरा रूम भी है जो लॉक्ड है, इसकी भी सेम साइज़ होगी जो आपको मैंने फर्स्ट रूम का दिखाया था। यहाँ पे भी आपको सेम रूम मिल जाएगा किचन के बगल में, और ये रूम भी मिल जाएगा आपको नीचे रूम में, एंड साथ में आपको किचन भी मिलता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसकी टोटल जो साइज़ एरिया है ये अप्रॉक्सीमेटली 900 के आसपास स्क्वायर फीट में बनी हुई है, 800 से 900 के स्क्वायर फीट के बीच में लैंड एरिया मैं बता रहा हूँ, एंड जो बिल्डअप एरिया है वो अप्रॉक्सी 1200 से लेकर 1300 स्क्वायर फीट टोटल बिल्डअप एरिया में बनी हुई है प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर आपको एक किचन, तीन बाथरूम, एक हॉल, चार रूम, एक पूजा रूम, एक कार पार्किंग और एक बड़ी सी बालकनी मिलती है, जो आप देख सकते हो उसकी जो फिनिशिंग है इंटीरियर की वो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग लगा करके बनाया गया। आप देख सकते हो टाइल्स की फिनिशिंग काफ़ी खूबसूरत फ्राइम की गई है, जो आपको नॉर्मल डुप्लेक्स या बंगलों में नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ की सुविधा दी गई है बना करके, सिर्फ आपको शिफ्ट होना है प्रॉपर्टी के ऊपर, बाकी काम ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ आपको मिल जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी आपकी हो सकती है चार रूम के साथ, और इसकी जो लोकेशन पड़ने वाली है ये है गणपति धाम, नियर टू आप कह सकते हो रिलायंस पेट्रोल पंप, नियर टू आप कह सकते हो हुंडई शोरूम, या जो धनबाद गोविंदपुर रोड है वहाँ पे हुंडई शोरूम है, नियर टू रिलायंस पेट्रोल पंप है। इस मेन रोड से इसकी जो दूरी आने वाली है वो 500 मीटर है, अप्रॉक्स 500 मीटर है।
ना ज़्यादा ना कम, सीधा सीधी हाफ किलोमीटर के अंदर आप मेन रोड से इस प्रॉपर्टी तक आ सकते हो। तो ये डेवलप सोसाइटी के अंदर, गणपति धाम सोसाइटी के अंदर ये डुप्लेक्स, ये विला, ये बंगलो आपका हो सकता है 3 बाथरूम 4 रूम के साथ, जिसकी फिनिशिंग आप देख सकते हो काफ़ी क्लीन नीट आपको बनाया गया है। काफ़ी खूबसूरत सी प्रॉपर्टी है 4 रूम के साथ, और ये बड़े रूम भी आपको मिलते हैं। ऊपर में 2 रूम बना है, वो दोनों बड़े बड़े रूम्स हैं। नीचे का 2 रूम आपको थोड़े सोचे मिलेंगे ऊपर के साइज से, बट ऊपर के 2 रूम आपको बड़े बड़े मिलेंगे। आप देख सकते हो सोसाइटी के अंदर से मैं आपको व्यू भी दिखा रहा हूँ। काफ़ी डेवलप सोसाइटी है, लोग काफ़ी सारे बस भी चुके हैं एंड काफ़ी लोग अब बसने वाले हैं। आप इसको फ्यूचर की तरह भी देख सकते हो कि आज से 1 साल बाद और भी लोग यहाँ बसेंगे और आगे बढ़ जाएगा ये प्रॉपर्टी। तो ये ध्यान में रख के आप इस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, क्योंकि इस तरह का बना बनाया प्रॉपर्टी आपको डेफिनेटली रेडी टू मूव प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा अभी धनबाद लोकेशन के अंदर, क्योंकि बहुत सारे बिल्डर्स हैं जो बना रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, बट वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। कब बन के मिलेगा सोसाइटी, कब रेडी होगी, कब उसकी पार्क बनेगा, कब उसका सोसाइटी के अंदर लोग बसेंगे, वहाँ पे कोई गारंटी नहीं है। कब आने वाला है, रोड कब बनेगा, यहाँ पे आपको रोड मिलेगा, सोसाइटी डेवलप की हुई है, पार्क बना हुआ है, गार्डन बना हुआ है, घर ऑलरेडी बना हुआ है, टाइल्स वाइल्स लगा के कंप्लीट है, लोग भी रह रहे हैं। तो अगर ऐसी सोसाइटी चाहिए तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए ही बनी हुई है। आप देख सकते हो पूजा रूम भी मिलता है आपको, स्पेशल बनाया गया है, 4 रूम भी बना हुआ है, 3 बाथरूम भी मिल गया आपको, और ये बड़ी सी बालकनी भी आपको मिलती है। और एक अच्छी सोसाइटी में जहाँ पे आपको रोड ऑलरेडी मिल रहा है, लोग आपको ऑलरेडी रह रहे हैं, मेन रोड से सिर्फ 1/2 किलोमीटर अंदर आपको आना है, प्रॉपर्टी न्यू फ्रेश बनी हुई है, नया है, फर्स्ट हैंड प्रॉपर्टी है, रोड भी आपको चौड़ा मिलता है। ये सामने वाला प्लॉट में भी सारा घर इसी तरह का बनने वाला है लाइन से ही, तो वहाँ पर भी आपको रेडी होकर मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल डेवलप सोसाइटी के अंदर ये प्रॉपर्टी आपकी हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया टोटल बिल्डअप एरिया 1200 से 1300 के स्क्वायर फीट के अंदर आपको मिलता है, गार्डन एरिया आपके प्रॉपर्टी के अंदर मिलती है, ये आपकी गली मिलती है जो कि आपके अंदर आती है, वहाँ पे आपको नगर निगम का पॉइंट्स भी है, सॉरी सोसाइटी का, आपको वाटर कनेक्शन भी मिलता है, पानी का टैंकर वगैरह लगा हुआ है, वो सब भी आपको कॉस्टिंग नहीं लगने वाली है, ऑलरेडी सब कुछ किया हुआ है, ग्रिल वगैरह साथ में टाइल्स वगैरह की फिटिंग वगैरह, बालकनी में फिटिंग वगैरह, हर एक चीज़ की सुविधा आपको इस जगह पर ऑलरेडी की हुई है जो आप देख सकते हो। तो मैं आपको छत भी दिखाऊंगा, आपको ये एरिया जो है ये आपको आप कह सकते हो कि बॉक्स एरिया है, जहां पे आप स्टोर रूम आप मान सकते हो, ये एक स्टोर रूम भी साथ में मिलता है जहाँ पे आप अपने वेस्टेज चीज़ की आप यूज़ कर सकते हो। साथ में आपको अपना खुद का छत मिलता है, जो लोगों की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है खुद का छत होने का, तो यहाँ पे आपको खुद का छत भी मिलता है, खुद का बालकनी भी मिलता है, खुद का कार पार्किंग भी मिलता है, खुद का गार्डन भी मिलता है एंड खुद की सीढ़ी भी मिलती है। तो हर एक सुविधा ये प्रॉपर्टी के अंदर आपको मिलता है, और आप व्यू देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत बंगलो विला इस लोकेशन में बना हुआ है, लोग रह भी रहे हैं, और भी बन रहे हैं प्रॉपर्टी के अंदर, काफ़ी सारे न्यू प्रॉपर्टी भी आने वाली है, टैंक भी आपको लगा हुआ है, कनेक्शन भी किया हुआ है, सिर्फ आपको मीटर लगाना है और आप स्टार्ट कर दो रहना यहाँ पे, सिर्फ आपको रजिस्ट्री करवाना पड़ेगा इसके लिए। तो इस जगह जो प्राइस आपको मिलने वाला है काफ़ी सस्ते प्राइस पे ये प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगा, रेडी टू मूव, रेडी टू शिफ्ट, एंड प्राइस भी आपके लिए सरप्राइजिंग होने वाला है। ज़मीन के साथ आपको मिल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ 47 लाख में, जिसके साथ आपको 2.5 डिसमिल का ज़मीन भी मिल रहा है, 4 बेडरूम्स मिल रहे हैं, हॉल्स है, 3 अटैच बाथरूम्स भी मिल रहा है, और ये खूबसूरत एंट्रेंस मिल रहा है जिसके साथ आप देख सकते हो कि आपकी सोसाइटी को इन्हेंस करता है ये खूबसूरती। साथ में आपको वॉक भी देख रहे हैं आप सोसाइटी के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है, आप देख सकते हो रोड काफ़ी चौड़ा है, गार्डन एरिया काफ़ी अच्छा है, पार्क एरिया है, टेंपल आपको मिलती है सोसाइटी के अंदर, और सबसे अच्छी बात ये मेन रोड से सिर्फ 500 मीटर की दूरी है। तो हुंडई शोरूम अगर आपने देखा है, गुलमोहर रिजॉर्ट आपने देखा है, या फिर आपने देखा है RS रिजॉर्ट, तो ये जो मेन रोड है इस रोड से सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर है, यानी कि धनबाद गोविंदपुर रोड से ये 500 मीटर इनसाइड ये सोसाइटी है सिर्फ 1/2 किलोमीटर अंदर, और इतनी खूबसूरत सी सोसाइटी जहाँ पे आपका सोसाइटी में आपकी फैमिली सेफ है, आपको बहुत कुछ मिलता है, बेनिफिट्स आपको काफ़ी अच्छी मिलती है एंड साथ में आपको खेलने कूदने के आपके बच्चों का भी फैसिलिटीज़ मिलती है, गार्डन एरिया भी मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। तो ये जो घर है इंडिपेंडेंट हाउस है या इसको बंगलो बोलो 4 BHK का आप खरीद सकते हो 47 लाख रुपए दे करके, उसमें भी आप होम लोन ले सकते हो, इसमें ऑलरेडी लोन चल रहा है तो आप लोन अपना इसमें ले सकते हो। एंड हाउसिंग कंसर्न को सब्सक्राइब करें, हमें कॉल करें, क्योंकि हमारे पास इसकी कीज़ है, आप जब बोलो आपको विजिट करा दिया जाएगा, बस आपको थोड़ा सा पहले हमें इन्फॉर्म करना है। तो हाउसिंग कंसर्न को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड 47 लाख रुपीज़ में इंडिपेंडेंट हाउस 2.5 डिसमिल जमीन के साथ अपना खुद का घर अपना जमीन पे आप ले सकते हो। अभी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, थैंक यू।